आज हमने नॉन फ्री कितनी कंडीशन थी हमें बता दी थी। आज बात करेंगे इथर्स। इथर्स क्या होते हैं? इथर्स वो होते हैं कि अगर ऑक्सीजन के टर्मिनल पर दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े हो, सब्स्टिट्यूट हो, एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इथर। एल्किल ग्रुप कैसे सब्स्टिट्यूट होते हैं? जैसे वाटर के पास, अब ये वाटर में से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्या दो एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, दो हाइड्रोजन निकल जाते हैं, एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इथर कहते हैं, ठीक है। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड इथर। इथर दो टाइप के होते हैं, एलिफेटिक इथर भी होते हैं, एरोमेटिक इथर भी होते हैं, ठीक है। और इथर वैसे भी होती है सिंपल इथर एंड मिक्स्ड इथर, उनके बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखते हैं इथर के नाम की भी यहाँ पर बात कर लेंगे। दोनों टाइप्स ऑफ इथर, सबसे पहला होता है सिंपल इथर। सिंपल इथर वो होते हैं जिनके ऑक्सीजन के दोनों टर्मिनल पर सेम टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, जैसे CH3 OCH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, C2H5 OC2H5, इधर भी सेम, इधर भी सेम, C6H5, इधर भी C6H5, ठीक है। ये इसका नाम भी क्या होगा? नाम भी सेम, दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप लगे तो उससे हो जाएगा डाई। जो ग्रुप का नाम हो वो नाम लिख देते डाई मेथिल, डाई मेथिल और इथर नाम हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप है, कौन सा एल्किल ग्रुप है? एथिल, डाई एथिल इथर। ये C6H5 होता है, फेनिल ग्रुप होता है, उसका नाम हो जाएगा डाई फेनिल ईथर, ओके। ये नाम हो जाएगा। अगर दोनों टाइप तरफ सेम एल्किल ग्रुप लगे होते हैं तो उसे कहते हैं सिंपल ईथर, ठीक है। एक होता है मिक्स्ड ईथर, इसको हम लोग सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। तो होता है मिक्स्ड ईथर मतलब अनसिमेट्रिकल ईथर, इसमें दोनों टर्मिनल पर डिफरेंट टाइप का डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप लगे होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, ऐसे इधर लगा है CH3, इधर लगा है C2H5, ठीक है। इधर देख लेते हैं, इधर लगा दिया आपने C2H5, इधर लगा दिया आपने C3H7, ओके। इधर एक साइड C6H5 लगा दिया, इधर हमने एक साइड लगा दिया क्या C2H5 या CH3, ये एक और हो सकता है CH3 O C2H5 C6H5। अब इनके नाम क्या होंगे? इनके नाम भी लिख देते हैं। अब इनका नाम पहले उसको लिखते हैं जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। इसका नाम एथिल है, इसका नाम एथिल है, कौन पहले आएगा अल्फाबेट में? कौन पहले आता है? ई पहले आता है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा एथिल, फिर आएगा मेथिल एंड इथर, ये नाम हो जाएगा इसका एथिल मेथिल इथर। अभी दोनों देखते हैं कौन पहले आएगा, ये होता है एथिल, ये होता है प्रोपिल। ई पहले आएगा उसके बाद पी आएगा, ठीक है। ये एथिल प्रोपिल इथर, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है वही ये नाम हो जाता है। इधर ये फेनिल है, इधर एथिल है, तो एथिल पहले आया, एथिल फेनिल इथर। इधर CH3 मेथिल है, इधर फेनिल है, तो कौन पहले आता है? पी पहले आता है कि एम पहले आता है? पहले आता है मेथिल, एम मेथिल फेनिल इथर, ओके। तो इस तरीके से इसका नाम इस तरीके से है, ये कॉमन नेम है, ओके। आयु कैसी नेम लिखना? आयु कैसी नेम में हम लोग फिर अल्फाबेटिकली नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि काम कम कार्बन किसका है, उसका आयु कैसी नाम हो जाएगा। जैसे इसमें कम कार्बन है उसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथ एंड ऑक्सी, मेथ
मिथॉक्सी दो कार्बन है तो एथेन हो जाएगा, मिथॉक्सी एथेन इसका नाम हो जाएगा। इधर दो कार्बन है तो तीन कार्बन, दो कार्बन वाले का नाम बदल लिखेंगे एथॉक्सी एथेन, सॉरी एथॉक्सी। जब तीन कार्बन का नाम हो जाएगा प्रोटीन। इस तरीके से आगे से नेम लिखते हैं, इधर है तीन दो कार्बन तो एथॉक्सी, और इसका नाम हम लोग बेंजीन ले लेंगे, इसका नाम है बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन आई, इसका नाम बेंजीन है ठीक है। इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन, ये इसका आईपीसी नहीं है ओके। तो इसकी बात हो गई क्रॉस, इसको हम लोग क्रॉस लिखा भी कहते हैं या लिंक लिखा भी कहते हैं या अनसिमेट्रिकल लिखा भी कहते हैं ठीक है। ये हो गई इसकी बात, अब आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग ईथर का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। तो आर किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ईथर का, आर ओ आर दो लोन पेयर ठीक है। ईथर का स्ट्रक्चर सबसे पहले ये देखा जाता है कि इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये दो लोन पेयर हो गए, लोन पेयर ये भी लोन पेयर है, लोन पेयर ठीक है, और ये एल्कीन ग्रुप है ओके। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर दो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये जो बॉन्ड एंगल बनाएगा कितना बनाएगा 109.28 मिनट। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये बॉन्ड एंगल कितना बनाता है ठीक है, और साथ में इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा। लेकिन टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर इसका नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इसकी ज्योमेट्री को डिस्टॉर्टेड कर देते हैं, एंगल भी क्या हो जाएगा कुछ पार्ट ऑफ एंगल भी क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है ठीक है। दो लोन पेयर है इसके कारण का एंगल भी क्या हाइब्रिडाइजेशन का स्पीड भी रहेगा, लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 से घटकर कितना हो जाएगा 107 तक, 107 डिग्री ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वी शेप स्ट्रक्चर हो जाता है ड्यू टू लोड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी ज्योमेट्री क्या जाती है डिस्टॉर्टेड हो जाती है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, वी शेप स्ट्रक्चर हो जाता है। ये होता है ईथर का स्ट्रक्चर ठीक है। और ईथर एक डाइपोलर क्या होता है, डाइपोलर कंपाउंड होता है, इसके दो पोल्स होते हैं डाइपोलर ठीक है। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का हम लोग डिहाइड्रेशन कराते हैं ठीक है। एल्कोहल का पास दो ले लिए हमने एल्कोहल, इसको गर्म कर देते हैं कंसेंट्रेट एक्सक्लूसिव मोल के साथ 100 to 140 डिग्री सेल्सियस ठीक है। इतना ये आपका यहां से क्या आता है H2X वाटर रिलीज हो जाएगा, क्या बचेगा आर ओ आर इधर एंड H2O रिलीज हो जाता है, ये वाटर से निकल गया उसका डिहाइड्रेशन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं C2H5OH कंसेंट्रेट
एच टू तो फोर के साथ इसको गर्म करते हैं 100 to 120। ठीक है, यहां से ये एच ओ एच वाटर मालिक्यूल निकल जाए, क्या बचेगा C2H5O C2H5 प्लस एच टू, ये बनता है आपका डाई ईथर, बनता है नॉर्मल बनता है डाई एथिल ईथर। ये डीहाइड्रेशन का बिल्कुल सब का किसका डीहाइड्रेशन कराएंगे ईथर को बनता है एथिल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल इसका हम लोग डीहाइड्रेशन कराएंगे। ठीक है, आइए इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं किस प्रकार से रिएक्शन होती है, उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले एथिल अल्कोहल जो है ये कंसंट्रेट एच टू जो फोर से रिएक्शन करता है, एच इसको ऐसे लिखेंगे एच एच एसओ फोर, इसमें टेम्परेचर क्या आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, इतना ही आपका निकल जाता है, क्या बचेगा C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या होता है आपका अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ब्रिटल कंपाउंड होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड के लिए ये अनस्टेबल होता है, ये क्या करेगा एथिल अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, एथिल अल्कोहल को हम लोग पलटा के लिख रहे हैं HOCH5 तरीके से, ये 140 में रिएक्शन करेगा, थोड़ा और गर्म करते हैं इसको, इतना ही निकल जाता है HSO4 और H इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जो बोर निकल जाएगा क्या हो जाएगा C2H5O C2H5 प्लस H2O। तो ये आपका बनता है डाइएथिलीथर, टू स्टेप रिएक्शन होती है ये, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड इन लेबोरेटरी मेथड, ये लेबोरेटरी मेथड की रिएक्शन होती है, लेबोरेटरी मेथड में भी ये रिएक्शन यूज होती है, इसी को हम लोग करते हैं वेन एक्सेस ऑफ एथिल अल्कोहल इज हीटेड विथ टू और थ्री ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेट H2O4 एट टेम्परेचर 100 to 120 डिग्री सेल्सियस सो ए डाई एथिलीथर इज ऑब्टेंड, क्या बनता है डाई एथिलीथर इज ऑब्टेंड विच कलेक्ट इन अ रिसीवर, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं रिसीवर में कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, आज इस क्लास में करते हैं।